दुनिया में हर लिहाज से अगर औरतों की आज़ादी की बात की जाए तो बहुत से ममालिक हैं जहां औरतों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है, और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें औरतों के लिए सख्त कानून लागू हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सऊदी अरब की औरतों के बारे में कुछ नाकाबिले यकीन और हैरान कन हकाइक। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब में औरतों के हकूक महदूद हैं, ये एक मशहूर कहावत है, और हकीकत है कि अरब ममालिक में औरतों के हकूक बहुत ही महदूद होते हैं। सऊदी अरब में औरतों को गैर मर्दों से बात करना भी मना है। सऊदी अरब में औरतों को अपने बहन भाई और माँ बाप के अलावा किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी खवातीन को अपने भाई या बाप की इजाज़त के बगैर नौकरी करने की भी इजाज़त नहीं होती, और ना ही वो अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर कहीं जा सकती हैं। अगर ये औरतें किसी वजह से दूसरे मुल्क जाना चाहें तो उनका वीज़ा भी वालिद या शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं बनता। यहाँ तक कि सऊदी अरब में औरतों को पर्दे के बगैर बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं, और ना ही वो अकेले बाहर जा सकती हैं। सऊदी अरब की औरतों को सिर्फ मखसूस करदा जगहों पर अकेले जाने की इजाज़त है, जैसे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह। इसके अलावा सड़क या रास्ते पर उनके साथ उनके किसी रिश्तेदार का होना लाजमी है। सऊदी अरब में औरतों की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं, औरतों की तालीम के लिए अलग से स्कूल और कॉलेजेस हैं। सऊदी अरब में औरत किसी गैर मर्द से बदकारी करते पकड़ी जाए तो उसकी सज़ा मौत है। ये कानून गैर मुल्की औरतों पर भी लागू होते हैं। जब कोई गैर मुल्की खातून सऊदी अरब में आती है तो उसे हिजाब या बुरका पहनना पड़ता है। सऊदी अरब में होटल्स में भी औरतों और मर्दों के लिए अलहदा इंतज़ाम होते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी अलग से इंतज़ाम होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।